इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया, कितना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है। भारत के जो फॉरेन ऑफिस है उधर से बात करके बाहर निकले थे, बड़े गुस्से में लग रहे थे या फिर पता नहीं, बहुत डंडे छंडे पड़े, छितर परेड हुई है इनकी, काफी नाराज लग रहे थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मीडिया को और अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। पैकिंग भी तो करनी होगी ना, इंडिया भी ना बस एकदम से बोल दिया कि जी बस 5 दिन में निकल जाओ। पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने इसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। स्टूडेंट्स के लिए भी एक एडवाइजरी जो है वो आज भारतीय गवर्नमेंट ने इशू की। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। कनाडा ठीक है एक बड़ा मुल्क होगा, मानते हैं इनको, G7 का मेंबर भी है, लेकिन अगर इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए या बाकी चीजों के हवाले से देखा जाए तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के अभी करीब भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान उससे काफी आगे है। अब इंडिया लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये मोदी साहब का इंडिया है, ये मोदी साहब का भारत है, ये नया भारत है, ये वो वाला भारत नहीं है जिसमें अगर कोई इस किस्म की चीज होती तो उस पर चुप साध ली जाती। अगर होगा तो अगर वो एक निकालेंगे तो हम 2 बंदे निकाल लेंगे, अगर वो 2 निकालेंगे तो हम 3 निकाल लेंगे। मैं तो ये बयान रखता हूँ कि देखें आप, कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया, उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना थे तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किया नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के, उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने, इतना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है आप साफ लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमरीका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब, उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने इसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं, तो बड़ी बात है ये अगर उसने जवाब दे दिया इंडिया का, तो अब देखना ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। और सर इंडिया ने इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया है, उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, कनाडा के पास इस चीज़ के क्या सबूत है, अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया। आपको लगता है कि पाकिस्तान का कूदना बनता है? पाकिस्तान के तो बेचारे की खुद अपनी सिस्टम इस तरह के, वो अपने मामला नहीं सीधा कर सकते, किसी के मामला क्या सीधा करेगा। कहा जा रहा है कि जी दो हाथियों की लड़ाई है, जैसे दो बड़ी कंट्रीज जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी एक एडवाइजरी जो है वो आज भारतीय गवर्नमेंट ने इशू की है, क्या देख रहे हैं आप ये सब क्या हो रहा है, और आखिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो खालिस्तान के लोग हैं उनसे इतनी हमदर्दी क्यों है? देखिए आरजू जी, दो चीजें पहले अंडरस्कोर कर लीजिए, कनाडा कोई हाथी नहीं है पहली बात, इंडिया हाथी है, चाइना हाथी है, यूएसए हाथी है, कनाडा कोई हाथी नहीं है, $1.5 trillion की टोटल इकोनॉमी है। इंडिया और चाइना, अरे इंडिया और कनाडा का जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है वो भी करीबन $3 to $5 billion के बीच का, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और कनाडा मे बी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑन द वर्ल्ड, लेकिन उनका मुश्किल से 7% स्ट्रिप इलाका जो कि यूएस के बॉर्डर के पास है वही इनहैबिटेबल है, बाकी सारा जो उनका 90% इलाका है वो इनहैबिटेबल भी नहीं है, मतलब 70-80% इलाका उनका इनहैबिटेबल है भी नहीं। तो कोई हाथी नहीं है कनाडा। हाँ, कनाडा वेस्ट का एक अलाई है पर से, दैट इज ट्रू, ये तो पहली बात। तो कोई बहुत ज्यादा ट्रेड ऐसा कुछ नहीं है हमारे और कनाडा के बीच में कि ये संबंध अगर टूट जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन सर बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी शुमार होता है ना, बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी काउंट किया जाता है कि जाहिर है एरिया वाइज है ना, एरिया वाइज है, तो वो चूंकि ऑफकोर्स सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है तो या थर्ड लार्जेस्ट होगी, तो वो मतलब इट इज conclude, it is concerned at one, but then let's see. देखिए जो लोग इसमें कूद रहे हैं, पहली बात कि ट्रूडो ने ये कहा है कि they have credible allegations कि there is a potential link, not link, potential link between the killing of Hardeep Singh Nijjar and the government of India. ठीक है ना, उनका ये कहना है कि हम इस एंगल की तहकीकात कर रहे हैं कि निज्जर को जो मारा गया है उसको शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संरक्षण प्राप्त है, कोई लिंक है, ऐसा वो कह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया एक रोग स्टेट है, इसको आप अंतर समझिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो हरदीप सिंह निज्जर है वो क्रिमिनल नहीं था, वो ये कह रहे हैं कि हमारी धरती पे आके आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत कर रहे हैं। अब यहां पे आपको दो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इंडिया और कनाडा के, बिकॉज कि अगर आप देखे हैं इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद ट्रूडो आए, उन्होंने कहा नीदर आई वॉन्ट टू प्रोवोक इंडिया नॉर आई वॉन्ट टू एस्केलेट द मैटर, मैंने सिर्फ ये बात कही है टू हाईलाइट कि हमारी सॉवरनिटी को खतरा है। इंडिया भी नहीं कह रहा कि कनाडा एक रूग स्टेट है या टेररिस्ट स्टेट है या ऐसा कुछ है।
मैं एक सेकंड लूंगी सर आपसे, आपकी बात ठीक है, उन्होंने जो जो बाद में बात की या जो पहले बात की, लेकिन फिर एकदम से डिप्लोमेट्स को निकाल देना दोनों तरफ की कंट्रीज से, तो वो ये बात जताता है कि बात बहुत ज्यादा सीरियस है, सीरियस मैटर है। उन्होंने डिप्लोमेट को नहीं निकाला, उन्होंने जो रॉ के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिसर थे कनाडा में उनको निकाला, इंडिया ने उसके बदले में सीनियर डिप्लोमेट को निकाला, ठीक है ना, दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन इसको समझने की जरूरत है, इंडिया और कनाडा के बीच में एक सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई हम लोग दुश्मन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके है। जय हिंद दोस्तों, तो आपने देखा किस तरीके से कनाडाई प्राइम मिनिस्टर ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी, ये कहकर कि भारत के जो एजेंसीज है वो इसमें इन्वॉल्व है, जो खालिस्तानी सपोर्टर खालिस्तानी जो है उसके हत्याकांड में, लेकिन इसका कोई सबूत वो दुनिया को दे नहीं पाए, और वो भूल गए कि भारत अब वो भारत नहीं है जो पहले सब सुनता था, भारत अब वो भारत है, अगर आप एक बोलोगे तो भारत उसके अगेंस्ट में और बहुत ज्यादा एक्शन ले सकता है, और ये मोदी का भारत है जो काफी बदल चुका है और वो डरता नहीं है किसी से भी आंखों में आग डाल के बात करने में। इसी का मुजाहरा करते हुए भारत ने कनाडा के दो जो विदेश मंत्री ये हैं सचिव, उनको यहाँ से इंडिया से 5 दिनों में निकल जाने के लिए कह दिया, और ये एक्शन से कनाडा एकदम सख्ते में है और दुनिया भारत का लोहा मानने में मजबूर हो गई है। जहाँ एक तरफ पाकिस्तानी हमेशा भारत को गाली देते हैं, वही इसी बात पर पाकिस्तानी भारत से बोल रहे हैं कि भारत कितना बदल गया, कितना स्ट्रांग हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।